अच्छा है। फौरी खबर आपको देंगे। कराची के इलाके लांडी में मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान शदीद फायरिंग के बायस इलाके में खौफो हिरास फैल गया है। इसी हवाले से अपडेट लेते हैं। आज न्यूज़ कराची की ब्यूरो चीफ रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रफत, बताइएगा मंजर तो कुछ ऐसा है कि ये मैदान जंग का इलाका है। देखिए, वहाँ सुबह से छोटे मोटे झगड़ों का सिलसिला जारी था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले टीएलपी और जो मुस्तफा कमाल की जमात है उसके दरमियान तसादुम हुआ और उसमें जो है डंडों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। लेकिन उसके बाद लांडी के इलाके में एकदम फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। जब मुस्तफा कमाल वहाँ से निकल रहे थे और इब्तदाई इतलात के मुताबिक पीएसपी के रहनुमा और ज्वाइंट सेक्रेटरी इफ्तिखार आलम फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुए हैं। इफ्तिखार आलम को दो गोलियां लगी हैं और पीएसपी के मुतअद्दिद कारकुनान जो है गोलियां लगने से जख्मी हुए हैं। खासी कशीदगी के इलाके में पुलिस मौजूद थी, रेंजर एहलकार उस वक्त तक वहां नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जो है पुलिस ने वहां पर मजीद कुमक तलब कर ली है। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका और खत्म होने के वक्त के साथ जब टीम किए जा रहे थे तो उस वक्त ये फायरिंग का सिलसिला अचानक शुरू हो गया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, पूरा इलाका फायरिंग से गूंज रहा है। रफत, टोटल कितने अफराद जख्मी हुए कुछ पता लग पाया और हालत कैसी है उनकी? देखिए, इब्तदाई तौर से जो थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ था उसमें जो है तीन अफराद जख्मी हुए थे और उनमें डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद कुछ लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी, लेकिन अब इस वक्त जो है वो जब फायरिंग हुई है तो उसके बाद फायरिंग के नतीजे में तीन अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफत आपका।